शुरुआत हो गई है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन होगा। इस बीच 12, 14 और 28 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। मेले को सकुशल संपन्न कराने की कामना को लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने हर की पौड़ी स्थित ब्रह्म कुंड पर माँ गंगा की पूजा अर्चना और दुग्ध अभिषेक किया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि आज से विधिवत कुंभ की शुरुआत हो गई है। हमारे द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना कर कामना की गई है कुंभ मेला सकुशल संपन्न। वहीं मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि कुंभ हमेशा ही चुनौतीपूर्ण आयोजन रहा है, इसको सफल बनाने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों का सहयोग चाहिए और हमें उम्मीद है कि हम मेले को अच्छे तरीके से संपन्न करा पाएंगे। देखिए, आज से ऑफिशियली कुंभ नोटिफाई हो गया है। माँ गंगा जी से पूजा अर्चना की गई, कामना की गई कि मेला निर्विघ्न हो, कोई दुर्घटना ना हो, सभी लोग यहाँ पे आएं, आनंद से स्नान करें, अच्छे अनुभव लेके जाएं और सभी सकुशल रहें। माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया है। पिछले एक साल से हम लगातार अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जो मेला है वो सकुशल सम्पन्न हो, और राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य है। तो आज 1 अप्रैल को आज पहले दिन पे हम लोगों ने सबसे पहले माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया है कि उनका आशीर्वाद बना रहे। हम लोगों ने हर दिशा पे अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, जो बेस्ट हो सकता है वो करने का, लेकिन बिना आशीर्वाद के हम लोग बढ़ना नहीं चाहते थे। तो आज आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोग जितने भी हमारे अभी काम है, काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट को लेके, ट्रैफिक को लेके, और नई चुनौती के रूप में जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसकी वजह से जो नए चैलेंजेज आए उस पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं कि हम लोग